ये संजोग है, इत्तफाक है, उस समय सुपरस्टार कुणाल जी ही थे, तो अब उनसे चूंकि जरूर लगाव था, कहीं ना कहीं कनेक्शन था, हमने उन लोगों को बताए बनाए, अच्छा भी रहा। और इस बार खेसारी लाल जी से मैंने बनाने को तो पहले भी कई बार सोचा, पवन जी के साथ भी एक बार बहुत जिक्र हुई, लेकिन नहीं बनाया। खेसारी लाल जी के साथ आ गया, संजोग बन गया, ये संजोग है, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रायोजित काम नहीं है। हाँ ये है, जरूर है कि अब मैं सोचा कि भाई ये हैं और मैं हूँ, तो क्यों ना इनकी फिल्म, हम हमारे आराध्य कृष्ण रहे हैं और पूरी दुनिया जगत के आराध्य हैं, राधे हैं, तो एक अच्छा लगा, बस हो गया, कहानी मिली कि नहीं किया जाए। हाँ बिल्कुल, हाँ थोड़ा जरूर अपनापन तो जरूर है भाई, राधे से लगाव है, हम लोग कृष्ण के जरूर हैं, तो वो तो है। इसमें दो राधा बोल रहे कि साड़ी लाल यादव के साथ तीन हीरोइन नजर आ रही है। सवाल मेरा ये रहा कि मेघा श्री साउथ से आती है जी, और आपने राधा के लिए उस साउथ एक्ट्रेस को आपने क्यों चुना? ऐसा है कि राधा सबकी आराध्य है, तो बड़ा इस पे गहन मंथन हुआ कि राधा कौन बने। राधा भले ही सिनेमा हो, लेकिन राधा आदमी बोलता है तो राधा याद आ जाती है दूसरा। तो मैं एक चाहता था कि फ्रेश छवि हो, एक मतलब स्वच्छ हो, कोई दाग ना हो राधा पे हमें, तो एक चरित्र गढ़े थे, एक नहीं एक फ्रेश चेहरा है राधा। और हमारी दूसरी हीरोइन भी अपनी है जो माहिमा सिंह है, वो भी एक एल्बम में तो है, लेकिन उसका भी चरित्र बेदाग रहा है, मतलब स्वच्छ, एक रिस्पेक्ट है उसका। तीसरी अरुणा जी हैं, बिहार से ही हम, हमारी वो बहुत चर्चित तो नहीं है बट बेदाग है। तो और मेरे यूनिट में जितने लोग हैं, मैं इसका पूरा ख्याल रखा हूँ कि करीब करीब मेरी नज़रों में, हम ये नहीं कह रहे आदमी हर आदमी अच्छा होता है कोई, मेरी नज़रों में कि नहीं ये अच्छा जो करेक्टर है अच्छा कर सके और उसमें करेक्टर में कहानी में बैठ सके, तो उसका चुनाव किया गया। और कुछ दूसरा कारण है तो मुझे वो उस लड़की से, मैं अपराधी में हम मिले थे, अपराधी में काम किए थे, अपराधी की मार्केटिंग में ही किया, बनवाने में मेरी भूमिका भी है। राउडी इंस्पेक्टर की पिक्चर की भी जो बनी है साउथ में, जिसमें जो खेसारी जी और मेघा जी पहली फिल्म थी, पहले राइट नाम था उसका ना, पहले जो राइट नाम वो तमिल तेलुगु में उस कहानी का नाम था, बट बाद में उसका नाम राउडी इंस्पेक्टर हुआ। तो खेसारी जी जब अपराधी कर रहे थे, हमने खोजे तो उस समय भी बोले कि भैया ये लड़की अच्छी है, इसको लेते, हमने लिया गया, मिले भी, अच्छा लगा, और गुड एक्टर, टैलेंटेड लड़की है, आ गए काम करने का उसमें, तो मेरी नज़र में वो थी। और मुझे लगा कि बेदाग चेते एक अलग है, थोड़ा सा फ्रेश चेहरा राधा का करेक्टर है, अच्छा होना चाहिए, तो हुआ, इत्तफाक है, संजोग है, मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि करेक्टर में है, हम लोग पराग जी, हम लोग डिसीजन की, तो ये डिसीजन लिया गया कि नहीं उसको किया जाए। फिर महिमा का ये हुआ, तो महिमा तो एल्बम से फिल्म भी नहीं की है, लेकिन फिर भी अब एक नाम है, लगा कि अच्छा है, एक मीरा का करेक्टर है, किया गया। राधा की कई सहेलियां थी, राधा की 8 सहेलियां हो गई, तो ओरिजिनल कृष्ण में भी राधा की 8 सहेलियां थी, जिनका नाम श्यामा था, एक का नाम ललिता था, एक का नाम भद्रा था, एक का नाम, कई नाम है वो याद नहीं है, हाँ विशाखा थी एक उनकी सहेली। तो हमने ऐसे ही इस पिक्चर में नामकरण किया है। जो खेसारी जी के पिता का नाम है वो नंदन जी है आपको, ये जो ये है देवकी जी हैं, बहन सुभद्रा है उनका नाम, हमने ऐसे ही रखा है। सुभद्रा की शादी वहाँ हुई थी ना उनके, अपना अर्जुन से, कृष्ण की बहन थी। पार्ट टू बनेगा तो पार्ट टू ईश्वर की इच्छा, कृपा कृष्ण की है और क्या। इतना आपने बना दिया तो पूरी फिल्म भक्ति लग रही है। हाँ, भक्ति है या क्या? नहीं, इसमें तीज भी है, औरत का एक छठ का बहुत बड़ा क्लाइमेक्स है, छठ है इस पिक्चर का, पूरी आस्तिक फिल्म है। खेसारी जी पहले नास्तिक रहते हैं,
जो जानवर मतलब बकरी को काट खाते हैं, बाद में ऐसा घटनाएं इंसिडेंट घटती है कि वो जानवर से फिर उनके बकरी से प्यार हो गया उनको, उस बकरी के जान के लिए छठ का व्रत करते हैं। ये कहानी है, मतलब प्यार की प्रकाष्ठा है। अभी उन्होंने कहा कि वो तो एक मजाक है, सभी हीरोइन एक बार कह दिए थे कि ये कहानी, असल में बोल रहा था बोल 4 महीने 5 महीने पहले से तैयारी हम लोग की थी, कुछ समय अंतराल चढ़ता गया और इसका टाइम बढ़ता गया, तो उस समय ये बोल दिया कि नहीं मैं बकरी से भी प्यार करता हूँ, तो इस पे बहुत से हीरोइनों का ये विरोध आया, ऐसा लगा उन लोग कि हम लोग अपमानित करें, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो कहानी से रिलेटेड था और वो कहानी का यही थी बोल रहा था बोल थी, वो बोलने का उद्देश्य यही थी, यही फिल्म थी कि हम तो, हाँ देखिए ऐसा है कि इसमें हमको पराग पाटिल जी ने मेरे को बड़ा प्रेरित, हम लोग तो डेन करीब साथ ही रहते हैं, उनकी सारी फिल्मों की मार्केटिंग करता हूं मैं, तो बराबर बोलते थे कि भैया आप बनाओ बनाओ, मैं मार्केटिंग करता हूं, प्रोड्यूसर सबको पैसा दिलवाता हूं, अंडर प्रोडक्शन कंपनी से 40 लाख 50 लाख 60 लाख मैं हर पिक्चर में दिलवाता हूँ प्रोड्यूसर को, तो बोला भैया आप हम करते हैं ये करते हैं उधार यहाँ से लेके यहाँ से, तो हम आप क्यों नहीं बनाते हैं, नहीं बनाता था भाई, ठीक है चलो करते हैं। फिर खेसारी जी से बात हुई तो कहानी ये वही बताएगी भैया ये कि कैसा है कहानी, उन्होंने गुड गया ये कहानी, 2 बरस से कोई इस पर हाथ नहीं लगा रहा था, ये कहानी 2-3 बरस से बन के घूम रही थी, सब लोग भाग जाते थे, मुझे अच्छी लग गई, हम नहीं बनाते हैं आप, तो अब 7 दिन संबंध है तो बोले हैं खड़े हैं, तो हमारे लिए तो सोचना क्या, कृष्ण है ही मेरे लिए खड़े हैं खेसारी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, बिल्कुल जो एक हवा है कि खेसारी जी का पैसा है, आप प्रोड्यूसर हैं, ये कहां पे से चाहिए लोग नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, नहीं खेसारी जी का पैसा की कोई बात नहीं है, और खेसारी जी यहाँ खड़े हैं वही पैसा है, पैसा वो किसी से पहले लेते इसमें हुआ कि भैया बाद में ले, हो गया वही हेल्प हो गया, पैसा तो मैं हंताना पैसे हमें किसी का, मैंने कहा है कि मेरी पिक्चर खत्म होगी और 1 रुपया किसी का बकाया नहीं रहेगा, 1 रुपया किसी का मुझे नहीं रखना, तो नहीं रहेगा। आपसे नाराज तो कोई नहीं है, थोड़ी सी जलन की बू जरूर आ रही है, अपनों में ही, दूसरे गैरों में कहाँ होती है, अपनों को ही होती है, जब आप आगे बढ़ते हो तो अपने ही जलते हैं जो पास होते हैं, जो बहुत दूर है उसको कोई मतलब नहीं होता है। पराग पाटिल का स्टाइल yes. इस बोल राधा बोल के लिए कितना बेनिफिट कराने वाला है? पराग जी एक गुड टेक्नीशियन है और पराग जी से तो मेरे बहुत पुराने संबंध नहीं थे, मेरा संबंध नहीं से लिट्टी चोखा से हुआ संबंध था, बट उसमें हम करीब आए, क्लोज आए, इनकी पिक्चरों की मार्केटिंग मेरे हाथ में ही, शर्मा जी की पिक्चर थी, खेसारी जी, तो मोस्टली खेसारी जी की सारी फिल्में करीब करीब मतलब 60% 80% मैं ही करता हूँ, तो स्वाभाविक है कि सम्मान बढ़ता गया, कहानी अच्छी लगी, गुड टेक्नीशियन सारे मेरे लिए, सारे डायरेक्टर अच्छे, देखिए मेरे खास हम खास में बहुत लोग डायरेक्टर हैं। बोल राधा बोल के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे दर्शक से? दर्शक तो मालिक है, जनता है, अपीले अपील है, जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है, जनता ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है, तो अपील हम यही करेंगे कि हम हमारी मेहनत को इसके प्रतिफल के रूप में आशीर्वाद में अच्छा हो, ताकि हम और बनाएं, और क्या चाहिए, यही चाहिए हमें।